तो चलो यात्रा शुरू करते हैं बद्री विशाल का नाम लेके। जोर से बोलो जय बद्री विशाल। तो फिलहाल ऊपर सारा सामान बांध दिया है, ये छोटे छोटे बच्चे हमने पीछे डाल दिए, डिग्गी में भर दिए। हमारे ड्राइवर साहब, छोटे ड्राइवर साहब बैठे हैं आगे। तो गाइस अभी आज होता है हरिद्वार, हरिद्वार। तो अभी बच्चों के हाथ मुंह धोए जा रहे हैं ताकि इनकी नींद खुले। ये सोते हुए आए हैं, मस्त सो रहे हैं। है। देवप्रयाग जो है वो 19 किलोमीटर बचा है और अभी आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे पीछे, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, चारों तरफ हमारे क्लाउड है। बालू पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है वो दिखेगा अभी आपको एकदम से। देखिए ये क्या दिखा, ट्रक। तो कार कैंपिंग हमारी हो ही रही है, भाभी हमारी चाय बना रही हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं संगम जो कि अलकनंदा और भागीरथी का है और ये है देवप्रयाग में। अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर और जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अलकनंदा नदी के किनारे पे और ये एक गांव पड़ता है गिरसा। गिरसा गांव में हमारे एक फ्रेंड रहते हैं राज कोहली। तो ये है राज भाई हमारे, और राज कोहली नाम है ना अपना पूरा जी। अलकनंदा नदी में नहाने और राज भाई हमें नदी के किनारे पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो फिशिंग करते हैं। फिशिंग भी करते हैं ना वहाँ पे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपेडिशन मोर में और आज मैं जा रहा हूँ फैमिली के संग बद्रीनाथ। तो गाइस ये यात्रा होने वाली है दिल्ली से बद्रीनाथ में और अभी हमने गाड़ी पूरी पैक कर ली है। अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी में हमने क्या क्या सामान रखा और कैसे कैसे हमने सेटअप किया है। तो फिलहाल ऊपर सारा सामान बांध दिया है और हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चे सब पीछे बैठे हैं, ये देखिए। हेलो करो, ये सब कैद हो गए हमारे अंदर। ये छोटे छोटे बच्चे हमने पीछे डाल दिए, डिग्गी में भर दिए। डिग्गी मतलब हमारी आईटी का 7 सीटर है, तो पीछे की सीटें फोल्ड करके। कैसा लग रहा है? अच्छा। कहाँ जा रहे हैं हम? बद्रीनाथ। ओ, कभी गए हो पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम कैंपिंग में। कैंपिंग करोगी? हमारे ड्राइवर साहब, छोटे ड्राइवर साहब बैठे हुए आगे, हमारी माता जी बैठी हुई हैं, हमारे बड़े भैया, हमारी भाभी। हेलो बोलो। हेलो 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 हमारे खाना। हेलो बोल लो मच्छर वाली। मेरा और मच्छर खा रहा है, मच्छरों को हेलो बोल रहा है। गाइस अभी सबको मच्छर लग रहे हैं और जल्दी से निकलते हैं, आगे की यात्रा दिखाते हैं आपको। जल्दी करो और छोटे साथ बैठो, ड्राइव करना है। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं बद्री विशाल का नाम लेके। जोर से बोलो जय बद्री विशाल। हेलो, जय बद्रीनाथ। हाय बोलो बाबू, जय बोलो। शर्मा रहे, जय बोलो, जय बद्रीनाथ महाराज। तो दोस्तों यात्रा शुरू हो चुकी है, हम निकल चुके हैं दिल्ली से बद्रीनाथ के लिए। ये ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे हम निकले हैं बद्रीनाथ के लिए और फिलहाल हम हैं राजनगर एक्सटेंशन पे और यहाँ से बद्रीनाथ करीब करीब है 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर देखते हैं कहाँ तक हम चल सकते हैं, कहाँ तक हमें थकावट होगी, कहाँ नहीं होगी। तो दोस्तों बने रहे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने, अगर मेरा केदारनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा हो वो सीरीज भी देखिए जाके मेरे चैनल पे, वो सीरीज भी अवेलेबल है। मैंने अभी अपने सब्सक्राइबर से संग केदारनाथ की यात्रा करी थी, उसके भी 3 एपिसोड वहाँ पर बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये तो बद्रीनाथ का आप देख ही रहे हैं। हरिद्वार, हरिद्वार देख सकते हो। तो दोस्तों रात के 3 बज रहे और हम पहुँचे हरिद्वार। हम 10:30 बजे चले थे दिल्ली से और करीब 3:30 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 2:30 बज रहे, 2:35 हो रहे हैं और हम पहुँच गए हैं हरिद्वार के घाट पर और थोड़ा सा हाथ मुँह धोएंगे और आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार हम अभी नहीं स्टे लेंगे, रिटर्न में आते वक्त हरिद्वार आएंगे। तो अभी यहाँ पे हाथ मुँह धो के निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। हेलो।
रात के 3 बजे हरिद्वार में हम हाथ मुंह धो रहे हैं गाइस, अलग ही मजा है। नींद आ रही थी, अब नींद उड़ जाएगी हमारी। ये देखो हमारे नेफ्यू को देखो, ये तो बस नींद में पूरे से सोया। तू तो और तू भी सोया इधर दिखा शकल। तो अभी बच्चों के हाथ मुंह धोए जा रहे हैं ताकि इनकी नींद खुले। ये सोते हुए आए हैं, मस्त सो रहे हैं। आज चाय नहीं पानी है मटर। तो दोस्तों मुंह धो लिया, नींद उड़ा दी अपनी ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो के। अब निकलते हैं आगे के लिए। अभी दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 4 और हम हैं जानकी सेतु ऋषिकेश पे। जानकी सेतु ऋषिकेश पे बस एक दो फोटो खिंचवा के हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। और नेक्स्ट पड़ाव रहेगा हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग पे रुकेंगे और संगम के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। जा रही है हमारी फैमिली। ए नो नो गाइस। अभी हमें उत्तराखंड के पहाड़ों पर और ऋषिकेश क्रॉस करे हुए करीब करीब 30-35 किलोमीटर हो गए और यहाँ से देवप्रयाग जो है वो 19 किलोमीटर बचा है। और अभी आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे पीछे, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, चारों तरफ हमारे क्लाउड है। और आदू कैसा लग रहा है आपको? मस्त मस्त लग रहा है। नींद पूरी हो गई आपकी? यस। ओके गुड मॉर्निंग बोलो सबको। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ नज़ारा ऐसा ही देखिए, बहुत ही लाजवाब नज़ारा है। रोड ही नहीं दिख रहा है, पूरा बादल है, ये सारा बादल है। देखिए बादल के पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है वो दिखेगा अभी आपको एकदम से। ये लाइट देखिए, ये क्या दिखा, ट्रक है, ट्रक। बादलों में से निकल के ये ट्रक निकल आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे नज़ारों के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो पे और देखते रहे इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आद्या उठ चुकी है। हमने बड़ा इन्जॉय किया अभी क्लाउड का और माउंटेन्स का। और अब हम यहाँ बना रहे हैं चाय। देखो चाय बन रही है। तो कार कैंपिंग हमारी हो ही रही है, भाभी हमारी चाय बना रही हैं। वो फटेगी तो दोस्तों चाय पियेंगे और निकलेंगे फिर आगे के लिए। और फिलहाल तो देवप्रयाग पर रुकने का था, अभी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे देखते हैं, जैसा भी सबका मूड होगा वैसा करेंगे।
तो गाइस चाय पीते हैं। तो दोस्तों चाय रेडी हो चुकी है और सर्व की जा रही है। आज हमने कुछ नहीं बनाया अभी तक, कैंपिंग में हम भी बना रहे थे, अब हमारी भाभी आ गई है बना रही है। देखो शक्ल देखो, अब ये बना रही है चाय। साथ ही चाय साथ देने, परफेक्ट। तो दोस्तों हमारी चाय रेडी हो गई है और चाय पीते हैं और फटाफट से निकलते हैं आगे के लिए। यम्मी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं संगम जो कि अलकनंदा और भागीरथी का है और ये है देवप्रयाग में। और फिलहाल मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और फैमिली ने फोटोग्राफी वगैरह कर ली है, हमने भी कर ली है, ब्लॉगिंग करके यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर और जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है और रुद्रप्रयाग मीन्स भी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। आप ये देख रहे हैं मंदिर, ये मंदिर बहुत फेमस है और इसकी मान्यता है कि यहाँ पर माता जो है सुबह बच्चे के रूप में और दोपहर में क्या करते एक यंग लेडी के रूप में और रात को बूढ़ी औरत के रूप में दिखती हैं और ये डेली का रूटीन है। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अलकनंदा नदी के किनारे पे और ये एक गांव पड़ता है गिरसा। गिरसा गांव में हमारे एक फ्रेंड रहते हैं राज कोहली जो कि यूट्यूब चलाते हैं, वो भी यूट्यूब से हमारी जान पहचान बढ़ी थी। तो हम उनके घर पर आए उनसे मिलने और फिलहाल राज भाई अटेंड कर रहे हैं हमारी मम्मी पापा को, सॉरी मम्मी को और फैमिली को। तो ये है राज भाई हमारे और राज कोहली नाम है ना अपना पूरा जी। तो भाई मिले थे मुझे लास्ट टाइम बद्रीनाथ में, राइट? सही बात है। आप भी ब्लॉगिंग कर रहे थे, मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा था, तो उस टाइम से हमारी दोस्ती और दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि आज जब मैं इनसे इतनी दूर जब बद्रीनाथ जा ही रहा था तो रूट पे थे तो भाई ने कहा मुझसे मिल के जाना, तो भाई से मिल के जाएंगे। भाई के एक बेबी हुआ था तो उसके लिए भी मुबारकबाद दे के जाएंगे उनको। तो दोस्तों जल्दी से नहाते धोते फ्रेश होते फिर भाई के घर चलते हैं, थोड़ी सी ब्लॉगिंग वहाँ भी करेंगे फिर निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। और अभी तो है ये शॉप में और शॉप के बाद हम चल रहे हैं सीधे घर पर। हाँ ये तो इनकी आटा चक्की है, गेहूँ पिसता है यहाँ पे। तो दोस्तों गर्मी बहुत है इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं अलकनंदा नदी में नहाने और राज भाई हमें नदी के किनारे पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो फिशिंग करते हैं। फिशिंग भी करते हैं ना वहाँ पे? फिशिंग यहाँ पे हम नदी में भी फिशिंग करते हैं और आगे हमारा तालाब भी है। अच्छा। जहाँ मछलियाँ डाल के हैं वहाँ भी हम मछलियाँ निकालते रहते हैं, देते रहते हैं इधर उधर। तो गाइस नहाएंगे फिर राज भाई के घर पे चल के मिलेंगे सब फैमिली से, गेट टुगेदर करेंगे। ये रास्ता गेट टुगेदर करेंगे देन यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए नदी पर, वो रही नदी और ये रास्ता है, पगडंडी से होते हुए जा रहे हैं हम और ये हमारा छोटा सा ससुरा है, ही कर रहा है। नोनो दांत दिखो अपने, नहीं नहीं करोगे। दोस्तों ये है अलकनंदा नदी और यहाँ पर हम अभी नहाएंगे और फिर उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। नहीं हो गया। खाना खा चुका है, अब जाएंगे हम बद्रीनाथ। तो चलते हम बद्रीनाथ। अभी हम जा रहे हैं राज भाई के यहाँ और खाना वाना हमने होटल में खा लिया बाहर जाके, और राज भाई के संग गए थे, उनके किसी फ्रेंड का होटल था वहाँ खाना खा के आ गए और अब उनके घर मिलने जा रहे हैं उनकी वाइफ से और उनके बच्चे से। ये रास्ता जा रहा है उनके घर की तरफ,
बहुत पतला सा रास्ता है पहाड़ों का, तो पहाड़ों के लोग ऐसे ही रहते हैं। राज भाई की छत पे से ये व्यू आता है पूरे घाटी का, बहुत ही सुंदर व्यू है। ऐसा व्यू दिल्ली में हम लोगों को नहीं मिलता। राज भाई से थोड़ा सा लेके जा रहे हैं वीडियो बना के हम। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ के भाभी श्री हैं। हेलो, जिसके लिए आए हम, अब दर्शन कराए इन्होंने। हेलो, हाउ आर यू, क्या नाम होता है? रुद्रांश। दानी के नाम से पहचानता हूं मैं आपको। रुद्रांश है, रुद्रांश। हेलो, हाय, पूछ रहा है कैसे हुआ है। दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम हैं हनुमान चट्टी पर, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हनुमान जी का मंदिर है। चलिए दर्शन कराते हैं। तो मंदिर अभी बंद है क्योंकि रात के 10 बजे हुए, और यहाँ से बद्रीनाथ है करीब 10 किलोमीटर। कहते हैं कि हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद ही, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ के दर्शन लगते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे के लिए, और बच्चे भी थोड़े से परेशान हो गए। 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए, 10 बजे चले थे वहाँ, 10:30 बजे, 10:30 ही बज रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर के लिए। तो दोस्तों पहुँच गए हम बद्रीनाथ और रूम ले लिया है। ये फोर बेड वाला हमने रूम लिया, एक बेड, दो बेड, तीन बेड और चार बेड। खाना बन रहा है। मैं तो गाइस 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए गाड़ी चलाते चलाते, तो बहुत थक गया हूँ, तो मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर। जय बद्री विशाल।